दिल्ली की अगर हम बात करें तो 2022 की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सबसे पहले ऑब्जर्वर बना करके वार्ड के अंदर भेजा है, ब्लॉक अध्यक्ष का चयन किया जा रहा है, जगह जगह मीटिंग ली जा रही है। हमारे बीच में नंदनगरी से कुलदीप भाटी साहब हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। भाटी साहब क्या कहना चाहेंगे? देखो 2022 का जो नगर निगम का चुनाव है उसकी तैयारी तो सब पार्टियां कर ही रही हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी भी अपने 2022 की तैयारी कर रही है निगम में, क्योंकि आप ये लगा लो पिछले 15 सालों से जी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज है जी। और मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड जो है वो MCD में BJP के कार्यकाल में पिछले 15 सालों में टोटल तोड़ दिए हैं इन लोगों ने। कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि आप जो है MCD के नाम से ही जो है ना लोग जो है थूतू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, फिर कैसे बार बार भाजपा जीत करके आ रही है, बार बार भाजपा जीत के आ रही है? नहीं जो आप कह रहे हो मोदी सरकार आने के बाद में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जब से मैं कह रहा हूँ जब से मोदी सरकार आई है भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है, लगाम नहीं लगी। जो लोग ही हमें तो बताते हैं जी। कि जो काम 100 रुपये में होता था अब वो 1000 रुपये में हो रहा है। फिर भी मोदी जी आ रहे हैं? नहीं नहीं वो तो जो होना था चल लिया। ये देखो झूठ, मैं आपको झूठ बोल के राहुल भाई बैठो अभी खाना मंगा रहा हूँ अभी मंगा रहा हूँ अभी मंगा रहा हूँ जी, कितनी देर रोक सकता हूँ? 2 घंटे 3 घंटे, पर शाम तक अगर मैंने रोक लिया तो आप फिर गालियाँ ही दो। ऑब्जर्वर आए हैं, किसका नाम प्रपोज किया जा रहा है? नहीं ऑब्जर्वर आए हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है वो हमारे जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी उनको वो देंगे जी। हर बार रिपोर्ट दी जाती है, पेन ड्राइव तक सर्वे भी होते हैं लेकिन पेन ड्राइव खो जाती है। नहीं 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 वो एक बात अलग है, पर नहीं है ऑब्जर्वर आए हैं तो वो अपनी जो रिपोर्ट है जो अपनी वो है जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष जी को जाकर देंगे। भाटी जी कुलदीप साहब देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का संगठन बिल्कुल नेस्त तो नाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। नहीं खैर ऐसी बात तो नहीं है। देखो दिल्ली की अगर हम बात करें, ब्लॉक नहीं, जिला नहीं, महिला संगठन नहीं, यूथ नहीं, और फिर कह रहे हैं कांग्रेस आएगी? नहीं अब आप ये लगा लो ना, देखो पिछले लगभग हमारे जैसे केजरीवाल जी हैं इनको भी ये लगा लो अब तो 7-8 साल हो चुके हैं जी दिल्ली में, और इनको भी देख रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। जनता गरीब जनता की बात करें तो उन्हें तो फ्री मिल ही रहा है, बिजली फ्री, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, स्वास्थ्य फ्री, कहाँ मिल रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ कहीं कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ बातों में ही मिल रहा है जी। जमीन तो जनता बहकावे में आ रही है। हाँ बहकावे में आ रही है जनता, मगर जनता समझ चुकी है। और अभी 1 साल है हमारे पास, हम जो है बहुत जोर शोर से जो तैयारी कर रहे हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी जो है निगम चुनाव से आप ये लगा लो दिल्ली में वापसी करेगी। आपको लग रहा है कि निगम के अंदर कांग्रेस आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। निगम के टिकट किसको मिलेंगे? नहीं टिकट रिक्शे वाले को या ब्रीफकेस वाले को? नहीं नहीं जो जमीनी आदमी है, जो जमीनी तो आप भी है लेकिन पार्टी आपको भी अनदेखा कर। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, देखो हर होता है, चलो कभी पार्टी ने करा भी अनदेखा, पर एक बार अनदेखा किया जाए, बार बार आप ही के साथ क्यों धोखा में होता है? नहीं देखो कोई बात नहीं, पार्टी है, हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी का आदेश होता है उसे हम मानते हैं। और पार्टी में तो इस बार कहता हूँ कि जो भी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, वो भी जमीनी आदमी है, वो भी जो इस बार निगम का जो टिकट का चयन करेंगे वो ये देखेंगे ये आदमी जमीनी है जी, इसको यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग जानते हैं। टिकट की घोषणा आजकल में होने वाली है या लास्ट के 10-12 दिन में? नहीं वो तो टिकट की तो आपको पता है वो तो लास्ट में ही होती है, हर पार्टी जो 55,000 वोटर्स को सेटिस्फाई क्या 12 दिन में हो जाएंगे? नहीं अब आपको पता है तो भाई चाहे कांग्रेस हो या BJP हो या आम आदमी हो जी, आप जितना पहले से कर दोगे तो पहले से उसका फिर विरोध भी चालू हो जाता है। पता है कि कांग्रेस जमीन पर खत्म हो चुकी है तो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। नहीं वो आपकी बात सही है, देखो वो उसमें मैं जो है ना एक संगठन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो है नहीं, नहीं है संगठन का ऐसी बात नहीं है। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि हर जगह संगठन का नहीं है, जहाँ संगठन मजबूत है मजबूत। दिल्ली के अंदर 14 जिले हैं, 14 जिले में कौन सा संगठन मजबूत है? अगर संगठन मजबूत होता तो 5,200, 5,300, 2,200, 3,300 वोट नहीं मिलते विधानसभा में। नहीं वो विधानसभा का जो था ना मैं बताऊँ ना आपको, वो लोगों को बिजली पानी वगैरह वगैरह
जो ये लुभावने वादे किए गए थे, तो जनता उसके, को तो यही चाहिए। उसके उसमें लोग जो ना बह गए, अब आप ये लगा लो बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी के बिल भी आ रहे हैं, तो सब चीजें अब लोग जो समझ चुके हैं। जनता से क्या कहेंगे और खासतौर से कांग्रेस के बड़े नेताओं को क्या कहना चाहेंगे, किस कौन सा ब्लॉक अध्यक्ष लेकर के आए? नहीं देखो, मैं तो किसी बड़े नेता को कुछ कह नहीं सकता, मैं तो एक कांग्रेस का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। तो आप ये लगा लो, वो तो जो हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, जो हमारे नेता हैं, वो लोग जो अच्छा समझेंगे भाई, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे वो निगम प्रत्याशी हो, जो मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि कोई भी आप हमारी कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो एक मजबूत आदमी को अगर वो निगम में प्रत्याशी बनाकर भेजेगी तो पूरे दमखम से वो चुनाव लड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे टाइम में भी जब हमारा कांग्रेस का एक वो चल रहा था, जब कुछ बीजेपी के लोग जीत के नहीं आते थे, जब भी आते थे नहीं। कुलदीप भाटी जी, जीतेगा तो प्रत्याशी तब ना जब संगठन होगा, तो पहले तो संगठन को खड़ा करना है, सबसे पहली चीज है संगठन का खड़ा होना। नहीं वो जो आप कह रहे हो, नहीं अब जो ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए, कौन ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, किस किस का नाम जा चुका है। नहीं वो तो अब देखो, वो तो वो ही बताएंगे अंदरूनी बात, उसकी हमें और आपको क्या बताए। हम तो फिर मैं कह रहा हूँ, जो भी कांग्रेस का जो समर्पित सच्चा सिपाही है उसको अगर पार्टी आगे लेकर चलेगी तो पार्टी, मैं कह रहा हूँ, वहीं से विजयी होगी।